नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इतिहास से रिलेटेड है और वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम में वो आते हैं। मैंने कुछ अपने से छाट छाट कर वो क्वेश्चन को अलग किया है और आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ। भारत को पहले अजनावर्ष के नाम से जाना जाता था। पहला प्रश्न जो है वो भारत को पहले अजनावर्ष के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में भारत को एक नाम और दिया गया जो जम्मू द्वीप मिलता है, वो नाम मनु स्मृति में मनु ने भारत को आर्यावर्त कहा है। यह हिमालय से नर्मदा के बीच का क्षेत्र था। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है और मुसलमानों ने इसको हिंदुस्तान कहा है। मतलब इंडिया के यहाँ पांच नाम देखने को मिल रहे हैं हमें। और अब इसके आगे हम चलते हैं छठवां क्वेश्चन में, जो है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 60 ईसा पूर्व अफ्रीका के जंगलों में हुई थी, जिसका नाम ड्रायोपिथेकस था। मानव का उत्पत्ति जो हुआ है आज से लगभग 60 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका के जंगलों में हुआ था, जिसका नाम ड्रायोपिथेकस था। मतलब अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव की प्रवृत्ति आकेटक एवं खाद्य संग्रह की, मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल में लोग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थी। अगला प्रश्न में चलते हैं हम, निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी लेकिन इसका प्रयोग मनुष्य ने 9 पाषाण काल में किया। कब किया इसका प्रयोग मनुष्य ने? 9 पाषाण काल में, लेकिन खोज हो चुका था पूरा पाषाण काल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग की खोज कब हुई? निम्न पूरा पाषाण काल में हुई थी और इसका प्रयोग हुआ था 9 पाषाण काल में। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है ये। निम्न पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था। कौन से पत्थरों का प्रयोग करता था? क्वार्टजाइट पत्थरों का। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी थी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी हुई थी। अगला प्रश्न है, उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उद्भव हुआ था। दीपक का आविष्कार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दीपक का आविष्कार भी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। तथा नक्काशी चित्र का व्यापक रूप से भी प्रयोग उच्च पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में नृत्य एवं युद्ध की गतिविधियां प्रदर्शित की गई है। अगला प्रश्न है, बेलम घाटी के लोहदा नाले से मातृदेवी देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेलम घाटी के लोहदा नाले से मातृदेवी देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार धनुष बाढ़ था। और प्राग ऐतिहासिक काल में यंत्र प्रणाली लीवर का प्रयोग हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक प्रणाली लीवर का प्रयोग हुआ था। मध्य प्रदेश के सिंधी जिले के बागौर नामक स्थान पर पूजा का स्थल प्रमाण मिले हैं पूजा स्थल का प्रमाण मिला गया है, मतलब कि वहाँ से पूजा का स्थल पाया गया है सिंधी जिले से। कौन? मध्य प्रदेश के सिंधी जिले के बागौर नामक स्थान से। अगला है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन आरंभ किया था। पशुपालन के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ था। और मध्य पाषाण काल के मानव का औजार सूक्ष्म और विशिष्ट था। अगला चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सरायनहर तथा मलदहा से भारत के सबसे पुराने स्थल पाए गए हैं।
जहाँ से स्तंभ गर्दावास का साक्ष्य मिला है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से सराय नहर एवं मलदहा से भारत के सबसे पुराने स्थल पाए गए हैं जहाँ से स्तंभ गर्दावास का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल में मनुष्य आकीर्तक एवं खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालन भी करता था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने दो काम करना सीखा था सिर्फ, वो है आकीर्तक एवं खाद्य संग्राहक, मतलब कि शिकार और खाद्य संग्राहक के साथ साथ और पशुपालन भी सीख लिया था। नवपाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग सीख गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग सीख लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और इसके आगे का क्वेश्चन हम अगला वीडियो में आपको फिर से बताएंगे।